नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 20 जुलाई 2023 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। 20 है आज की सबसे बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि 31 अगस्त तक शिक्षा विभाग डिजिटाइज होगा। बुधवार को राज्य सचिवालय में डिजिटल प्रौद्योगिकी और गवर्नेंस विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने IGMC शिमला और टांडा मेडिकल कॉलेज के कर्मचारियों और मरीजों का डाटा डिजिटल टेक्नोलॉजी और गवर्नेंस विभाग के सहयोग से समयबद्ध तरीके से ऑनलाइन करने के निर्देश दिए हैं। नागरिक केंद्रित सेवाओं में कृत्रिम मेधा के उपयोग पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि सचिवालय की 50% शाखाएं और 24 निदेशालय अपने दैनिक कामकाज में ई ऑफिस प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सभी सरकारी विभागों में ई गवर्नेंस प्रणाली लागू करने के महत्व पर बल देते हुए कहा कि ये पहल फाइल कार्य में तेजी लाने और दक्षता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण साबित होगी। उन्होंने सभी सचिवों, विभागाध्यक्ष, उपायुक्तों और मंडलाधिकारियों को ई ऑफिस प्रणाली अपनाने और तकनीकी प्रगति का लाभ उठाने के निर्देश दिए हैं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने अप्रैल मई में आयोजित स्नातक डिग्री कोर्स के BA अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। BCom और BSc अंतिम वर्ष के पूर्व में घोषित किए गए परिणाम की तरह इसको भी विश्वविद्यालय ने बिना मैरिट के ही घोषित किया है। परीक्षा में कुल 18,048 में से 73.48% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर JS नेगी ने बताया कि परीक्षा परिणाम को छात्र अपने लॉगिन ID का प्रयोग करके देख सकते और डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल मेरिट जारी ना होने से 3 परिणाम का गैजेट नोटिफिकेशन जारी नहीं हो पाया है। विश्वविद्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि BA अंतिम वर्ष के बहुत से छात्र छात्रों के अवार्ड और नाम, रोल नंबर आदि में कमियों के चलते पूरा परिणाम तैयार नहीं हो पाया है। BCom, BSc और BA कोर्स की मेरिट अलग से जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की ऑनलाइन प्रणाली मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली HRMS का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल से ये प्रणाली सीधे तौर पर दोनों विभागों के लगभग 5,500 कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट ACR के प्रबंधन की प्रणाली को सुव्यवस्थित करेगी। इस प्रणाली से मानव संसाधन प्रक्रियाएं सरल और तीव्र होगी, जिससे पारदर्शिता में सुधार होगा। उन्होंने कहा कि भविष्य में इस प्रणाली में अतिरिक्त विशेषताएं जोड़ी जाएगी, जिनमें जिला परिषद कर्मचारियों के स्थानांतरण, तैनाती और सेवा पुस्तकों के प्रबंधन की सुविधाएं शामिल होगी। ऐसे विभागों की मानव संसाधन प्रक्रियाओं की क्षमता में बढ़ोतरी होगी। मुख्यमंत्री ने लोगों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए विभाग की कार्य प्रणाली में कृत्रिम मेधा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल करने के आदेश दिए हैं। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, मुख्य संस्थीय सचिव संजय अवस्थी, विधायक राजेश धरवानी, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार गोकुल बुटेल, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भारत खेड़ा मौजूद रहे। हिमाचल प्रदेश में त्रासदी से हुए नुकसान के आंकलन के लिए केंद्रीय सर्वेक्षण टीम प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए पहुंच गई है। प्रदेश सरकार बाढ़ से सूबे में हुए नुकसान की रिपोर्ट केंद्रीय टीम के समक्ष रखेंगे और केंद्र सरकार से राहत कार्यों के लिए प्रदेश को अधिक से अधिक आर्थिक सहायता की मांग की जाएगी। ये बात तो उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सुंदरनगर में मीडिया से अनौपचारिक बातचीत के दौरान कही है। मुकेश ने केंद्रीय सर्वेक्षण टीम के सुंदरनगर में बैठक कर उन्हें प्रदेश में नुकसान की स्थिति से भी अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आई त्रासदी के कारण कुल्लू और मनाली में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मुकेश ने कहा कि प्रदेश सरकार ने बाढ़ के कारण सूबे में नुकसान की पूरी जानकारी केंद्र सरकार को दे दी है। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार केंद्र से बार बार राहत और पुनर्वास को लेकर सहायता करने की मांग कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की केंद्र सरकार की सर्वेक्षण टीम के वापस लौटने के बाद उनकी अनुशंसा की जानकारी भी ली जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश में मौसम ठीक होने पर जहां पर पुल टूटे हैं उनके द्वारा निर्माण का कार्य आरंभ किया जाएगा। इसके साथ ट्योग क्षेत्र में वैकल्पिक वैली ब्रिज को भी फिर से बनाने को लेकर कार्य शुरू किया जाएगा। मुकेश ने कहा कि प्रदेश में सेब सीजन भी शुरू होने वाला है, इसलिए इन मार्गों और पुलों को जल्द से जल्द शुरू करना प्राथमिकता रहेगी। हिमाचल हाईकोर्ट ने PWD के अधिशासी अभियंता की लापरवाही पर कड़ी फटकार लगाई है।
अदालत ने डंगा गिरने से रिहायशी मकान को नुकसान न पहुंचाने के लिए उपचारात्मक कदम उठाने के आदेश दिए हैं। अदालत ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता के रिहायशी मकान को नुकसान पहुंचता है तो अधिशासी अभियंता मुआवजा और कार्यवाही के लिए जिम्मेदार होगा। मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 3 अगस्त को निर्धारित की है। याचिकाकर्ता शशिकांत ने आरोप लगाया कि धर्मपुर तहसील के अंतर्गत ITI ब्रोटी के भवन के लिए डंगा लगाने में लापरवाही बरती गई है। इस डंगे का निर्माण यूनिप्रो कंपनी ने लोक निर्माण विभाग की निगरानी में किया है। अदालत को बताया गया कि 12 मार्च 2023 को स्थानीय ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव पारित किया कि ITI ब्रोट भवन का डंगा लापरवाही से लगाया गया है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में भारी बारिश होने से सलोनी उपमंडल में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बारिश के कारण कई घरों में पानी घुस गया है, कुछ मकान क्षतिग्रस्त भी हुए हैं। कार्यवाहक उपमंडल अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि भारी बारिश होने से नाले में जलस्तर बढ़ गया है। 5 परिवारों के घर खाली करवाए गए, इन्हें सुरक्षित स्थान पर आश्रय दिया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 4 दिनों तक राज्य में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मैदानी मध्य और उच्च पर्वतीय जिलों के कई भागों में 22 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी है। राज्य में 24 जुलाई तक बारिश का सिलसिला जारी रहने का पूर्वानुमान है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के मिडल बाजार में सेब मंदिर के समीप हिमाचली रसोई रेस्तरा के अंदर मंगलवार शाम हुए धमाके की जांच के लिए ASP मुख्यालय सुनील नेगी की अध्यक्षता में SIT गठित कर दी गई है। SIT में थाना प्रभारी सदर, एक इंस्पेक्टर स्तर का अधिकारी और फोरेंसिक विशेषज्ञ भी है। टीम 7 दिनों में घटना के हर पहलू पर जांच पूरी कर अपनी रिपोर्ट देगी। वहीं पुलिस की ओर से भविष्य में इस तरह की घटनाएं द्वारा ना हो इसको लेकर अपने सुझाव भी देगी। फोरेंसिक टीम प्रत्यक्ष दर्शियों व घायलों के दर्ज बयानों के मुताबिक धमाका LPG गैस के रिसाव के कारण एकत्रित गैस को चिंगारी में लगने के कारण हुआ है। पुलिस की अब तक की गई जांच में खुलासा हुआ है। पुलिस अधीक्षक शिमला संजीव गांधी ने इस पूरी घटना को लेकर मीडिया से अब तक हुई जांच और कार्यवाही को साझा किया। उन्होंने कहा कि धमाके से एक की मौत होगी जबकि 13 घायलों में से 8 को अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है, 5 उपचाराधीन है। SP शिमला संजीव गांधी ने कहा कि हिमाचली रसोई नाम के रेस्तरा के छोटे किचन में गैस रिसाव हुआ, वहाँ ऑटोकट डीप फ्रीजर में चिंगारी होने से गैस ने आग पकड़ ली और जोर से धमाका हुआ। किलो के हिसाब से सेब बेचने के सरकार के आदेशों को आढ़तियों ने तालिबानी फरमान करार देते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया है। आढ़तियों का कहना है कि किलो के हिसाब से सेब बेचना संभव नहीं है। बागवान संगठन सरकार को गुमराह कर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। सेब सीजन के बीच बिना नोटिस एकाएक हड़ताल से बागवान संकट से घिर गया है। बागवानों को फसल खराब होने का डर सता रहा है। APMC सचिव और SDM टियोग ने बुधवार को प्राला मंडी के निरीक्षण के दौरान केलों के स्थान पर पेटी के हिसाब से सेब बेच रहे आढ़तियों को चलान और लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी दी। इस पर आढ़ती भड़क गए और काम बंद कर दिया। SDM के समझाने पर भी आढ़ती नहीं माने। आढ़ती एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष हरीश ठाकुर का कहना है कि बागवान संगठन कोरी राजनीति कर सरकार को गुमराह कर रहे हैं। सचिवालय में बैठक के दौरान आढ़तियों को अपशब्द कहे गए, लाइसेंस रद्द करने और FIR करने के नाम पर धमकाया जा रहा है, सरकार हमारी नहीं सुन रही है, टोल कर सेब बेचना संभव नहीं है। पूरे देश में 2 किलो की काट होती है, सड़कों की खराब हालत, मंडियों में बिजली पानी की समस्या पर कोई बात नहीं हो रही है। वीरवार से पूरे प्रदेश में सेब कारोबार बंद रहेगा। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि किलो के हिसाब से सेब बेचने का फैसला बागवानों और आढ़तियों से चर्चा के बाद लिया है। ये हिमाचल का नहीं पूरे देश का कानून है। सीजन के दौरान हड़ताल का फैसला नैतिक तौर पर सही नहीं है। ब्लैकमेलिंग कर रहे आढ़तियों के खिलाफ सरकार कानूनी कार्यवाही करेगी। बागवान सेम बरते और अन्य मंडियों में अपना उत्पाद बेचकर तानाशाही करने वालों को जवाब दे, सरकार बागवानों के साथ है। हिमाचल प्रदेश में जारी भारी बारिश के बीच बुधवार को शिमला रामपुर नेशनल हाईवे समेत 735 सड़क के 224 पेयजल योजनाएं और 990 बिजली ट्रांसफार्मर ठप रहे। मंगलवार रात और बुधवार को चंबा, कांगड़ा और मंडी जिले के कई क्षेत्रों में बादल झमाझम बरसे। प्रदेश के कई क्षेत्रों में 20 से 23 जुलाई तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है। 25 जुलाई तक प्रदेश में मौसम खराब बने रहने के आसार है। शिमला के ट्योग से चाटे सिलारू के पास भूस्खलन और पत्थर गिरने से बुधवार सुबह 6 बजे नेशनल हाईवे ठप हो गया। राजधानी से ऊपरी शिमला को जाने वाली गाड़ियों को बसंतपुर और मतियाना होकर भेजा जा रहा है। बुधवार देर शाम तक नेशनल हाईवे ठप रहा। बुधवार को राजधानी शिमला में दिन भर बूंदाबांदी जारी रही।
भारी बारिश के चलते कुमारसैन उपमंडल में 22 जुलाई तक स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। जिला सिरमौर में मूसलाधार बारिश से फसलों के साथ किसानों की उपजाऊ जमीन बर्बाद हो गई है। जिले में बारिश के बीच 7 कच्चे और पक्के मकान ढह गए हैं। नान के वनकल और जमटा, रेणुका जी के रजानब, लाना चेता और सिलाई में मकान क्षतिग्रस्त होने से लोग बेघर हो गए हैं। जिला बिलासपुर में बारिश के बीच 2 कच्चे मकानों और 3 गौशालों को नुकसान पहुंचा है। उपमंडल चौपाल की पंचायत मकडोग के अंतर्गत सियाना गांव में डांग से पत्थर गिरने से एक घर नष्ट हो गया है। रामपुर खंड के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल ओनो महादेव में मंगलवार रात को भूस्खलन होने के कारण मंदिर की सराय को काफी नुकसान पहुंचा है। मंदिर की सराय के अंदर सो रहे मंदिर के पुजारी और सेवक की जान बाल बाल बची है। वहीं चंबा के भटियात क्षेत्र में एक व्यक्ति की खाड़ में बहने से मौत हो गई है। कथेड़ पंचायत के गोथरा गांव निवासी 57 वर्षीय ब्यास देव पुत्र रीजा राम मंगलवार शाम को दिहाड़ी लगाकर घर लौट रहा था। लोहाली खाड़ पार करते समय पानी के तेज बहाव में बह गया। पुलिस ने बुधवार को सब परिजनों को सौंप दिया है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने भारतीय एजेंसी को साक्षात्कार की वीडियोग्राफी करने की मांग को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने कहा है कि लोक सेवा आयोग संवैधानिक निकाय है, अपनी जिम्मेदारी को भी किसी अन्य से अधिक जानता है। अदालत ने कहा है कि गैर सरकारी संगठन के कहने पर इस तरह के आदेश नहीं दिए जा सकते हैं। पीपल फॉर रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस संस्था ने याचिका दायर की थी कि लोक सेवा आयोग और राज्य सरकार की दूसरी भारतीय एजेंसियों को साक्षात्कार समेत सभी चयन प्रक्रियाओं की वीडियोग्राफी करने के लिए नियम बनाने का आदेश दिए जाए। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अध्यक्ष संतोष कुमार यादव से भेंट की। उन्होंने प्रदेश में लगातार भारी बारिश होने के कारण बाढ़ तथा बादल फटने से राष्ट्रीय राजमार्गों को हुए नुकसान से उन्हें अवगत करवाया। उन्होंने क्षतिग्रस्त सड़कों तथा पुलों के पुनर्निर्माण के लिए NHAI को प्रेषित किए गए अनुमानों के अनुसार निधि के आवंटन का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि ऐसे और अनुमान प्रेषित किए जा रहे हैं, विशेष रूप से मनाली में ब्यास नदी के बाएं किनारे चक्की पठानकोट पुल तथा मनाली मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग तथा अन्य के लिए प्रेषित अनुमानों के लिए निधि आवंटन में उनसे व्यक्तिगत हस्तक्षेप का आग्रह किया गया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने बुधवार को भाजपा के 17 संगठनात्मक जिलों के जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की है। उन्होंने बताया कि धीरज नरियाल को चंबा, सचिन शर्मा कांगड़ा, रमेश राणा नूरपुर, संजीव शर्मा देरा, हरिदत्त शर्मा पालमपुर, राजेंद्र बोध लाहौल स्पीति, अरविंद चंदेल कुल्लू, निहाल चंद मंडी, हीरालाल सुंदरनगर, देश राज शर्मा हमीरपुर, बलवीर चौधरी उन्ना, स्वतंत्र संघ ज्ञान बिलासपुर, रतन सिंह पाल सोलन, बेने गुप्ता सिरमौर, अरुण फाल्टा मासु, प्रेम ठाकुर शिमला, यशवंत नेगी को किन्नौर जिला के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने सभी नवनियुक्त जिला अध्यक्षों को शुभकामनाएं दी है। इसके अतिरिक्त डॉक्टर राजीव बिंदल ने निवर्तमान जिला अध्यक्ष जसवीर सिंह नागपाल, चंद्रभूषण नाग, भीमसेन रणबीर सिंह, हरीश शर्मा, मनोहर लाल वर्मा, आशुतोष वैद्य, विजय परमार व किन्नौर संजीव हारा को प्रदेश कार्य समिति का सदस्य नियुक्त किया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा है कि ये सभी नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू होगी। और अब बात कर लेते हैं किसानों से जुड़ी हुई। बहुत से किसानों को 2000 रुपए की जो किस्त आपको PM किसान के रूप में खेती बाड़ी के लिए दी जाती है, तो उसके लिए आपको जानकारी हम देने वाले। सरकारी वेबसाइट के मुताबिक योजना से जुड़े पात्र किसानों को 28 जुलाई 2023 को 14वीं किस्त के पैसे दिए जाएंगे। वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक इस बार 8.5 करोड़ किसानों को किस्त के पैसे जारी किए जाएंगे। तो ये 28 जुलाई को जो है ये 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14वीं किस्त जो है ये जारी करेंगे और इससे 8.5 करोड़ जो किसान है देश के उनको 2000 रुपए की जो आर्थिक सहायता जो वित्तीय मदद है वो PM मोदी की ओर से दी जाएगी। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आपको ये वीडियो कैसी लगी वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर आपका कोई सवाल है तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा और इस वीडियो का लिंक आप अपने दोस्तों को अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर फेसबुक ग्रुप पर जरूर शेयर करें और कोशिश करें कि रोजाना आप बोलता हिमाचल पर खबरें सुने देखें ताकि आपको हिमाचल की हर खबर की जानकारी अपडेट्स रहे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल बोलता है हिमाचल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद छोटी सी बेल आइकन घंटी आएगी नीचे, उसको आप प्रेस करके
कॉल पर आप सेट कर दीजिएगा, उसके बाद हिमाचल की सभी बड़ी खबरों के अपडेट्स आपको बोलता हिमाचल पर मिलेगी। ये वीडियो कैसी लगी वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।